हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो बाबा जी, आज आपके सामने आपका टॉपन बाजवा कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने आया, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए फैमिली मेट से कम नहीं हो। ठीक है, मैंने आप लोगों से बात करनी थी ये कि बाबा जी, मुझे लाइव स्ट्रीम करते हुए 3 साल हो गया कॉन्टिन्यूसली। जो हम लोगों का, लड़के लोगों का, भाई लोगों का स्पेशल टाइम होता है, तेज 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 भाजी तेज करो, वीडियो ना खराब करो, जान दो। मैं गल कर रहा, बड़ी जरूरी गल कर रहा। चल अगे मुंह कर, सीधा मुंह कर। आहो एडा तू। तो भाई लोग, बात ये है कि बाबा जी, 3 साल से कंटिन्यूसली एक ऐसे टाइम पर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, डेली छुट्टी के बगैर 8 से लेके 12 बजे तक, जो कि हम सब लड़के लोगों का स्पेशल टाइम होता है, जिसमें हम लोग यार पैरों तो गुदगुदी ना करो, गल कर दो। तो बाबा जी, 8 से 12 ऐसा टाइम है कि जिसमें हम लोग दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, उंडी करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, बैठ खाते पीते हैं, बाबा जी फुल माहौल बनाते हैं। ऐसी बात है, तुम लोग भी निकलते हो गए रात को यार, बाइक पर निकलते हो, गाड़ियों में निकलते हो, फूड कशन पे जाके बैठते हो, फूड स्ट्रीट पे बैठते हो, चाय पीते हो, असली टाइम ही मजे का वो है। और मुझे लाइव स्ट्रीम करते हुए बाबा जी अरसा हो गया, जो कि बाबा जी मैंने देखा ही नहीं, वो टाइम ही नहीं देखा। मेरी जवानी बर्बाद हो रही है भाईजान, मेरी जवानी बर्बाद हो रही है। मैं जवान लग रहा हूँ? अच्छा, तुसी जवान नहीं लग रहे, लानत पई हुई है तुहाडे ते। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं बड़ा ज्यादा ना डिप्रेशन में रहने लग पड़ा, मौलवी साहब बहुत डिप्रेशन च रहने लग पाया। टॉप वन बाजवा, हाँ जी भाजी सुनाओ, ठीक हो, खुश रहो। बाबा जी बहुत डिप्रेशन च रह, भाई जान लोटा देवा, लोटा देवा। वाह, चल आपे टुट गया, मैं नहीं जाना। तो बाबा जी, मैं चला गया एक बाबे के पास चला गया टॉपन बाजवा। मैंने कहा यार मैं ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, एग्जॉस्टिव टाइम गुजर रहा है मेरा, मतलब टेंशन में रहता हूँ। ठीक है, तो बाबा जी मुझे ये बताओ। थैंक यू। बाबा जी तुम्हारी यहाँ पे पहचान बहुत है। हारन ना मारो चाचू, सारा काम खराब कर दिता, बेड़ा रोड़ दिता, मैं हूँ नवी वीडियो बनावा। अच्छा, तो बाबा जी बाबे से मैंने पूछा, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूँ, मेरा दिमाग आउट हो चुका है, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं अपने आप को माइंड रिलैक्स। तो उसने कहा बेटा मेरी बात सुन, ठीक है ना, तुम्हारे यूट्यूब का फ्यूचर है, ठीक है ना, तुम्हारे यूट्यूब का फ्यूचर है, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर है, तेरे बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तू मेरा बच्चा बात सुन, सबसे ज्यादा तुझे सुकून मिलेगा, ठीक है, पहाड़ी इलाके पे चला जा, ठीक है ना, नॉर्दर्न एरिया पे चला जा, सल्यूट मारो। हाँ ठीक, सल्यूट उन्होंने मारिया, लेकिन उन्होंने छुप के मारिया, नजर नहीं आया। सो बाबा जी, हाँ जी हाँ जी, इधर। हाँ वेरी गुड, तलक बहुत बनाया बाबा जी तुहाडे भरा ने, और नहीं जी अगले रस्ते तो ना जाए, उतू ना जाना है किधर। तो बाबा जी उन्होंने कहा किसी पहाड़ी इलाके पे चले जाओ, जहाँ पे बाबा जी पहाड़ के किसी ऐसे किनारे पे, जहाँ पे तुम भाई साहब, ये मैं तुम लोगों को दिखाऊँ, इस जाय नमाज पर तुम्हारे भाई ने नमाज पढ़नी है सुकून के साथ, सुकून। उसने क्या लंबी सांसें लेनी है नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है ना, तुझे वो सुकून मिलेगा जो तुझे 3 साल के अंदर वो सुकून नहीं मिला। तो तुम्हारे भाई ने, भाई लोग, तुम लोगों से ये बात करनी थी कि मुझे दे दो छुट्टी, मैं अब आ गया हूँ ये माहौल के अंदर जरा इंजॉय करने, थोड़ी सी लंबी लंबी सांसें लेने, सुकून लेने के लिए। तो भाई लोग, आप लोग मेरा प्यार हो, आप लोग मेरी जान हो, आप लोगों से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा भाई तुम लोगों से मिलेगा इंशाल्लाह सून, जल्दी, ठीक है ना। अब ये मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मैंने व्लॉग अपलोड इसलिए इस मेन चैनल पे किया है क्योंकि बाबा जी मैं अपनी आवाम को बताना चाहता था, अपने भाई लोगों को बताना चाहता था कि बाबा जी मैं क्यों नहीं आ सकता लाइव स्ट्रीम पर, ठीक है ना। तो बाबा जी
इंशाल्लाह अब से जो आगे व्लॉग आया करेगा वो दूसरे चैनल पे आएगा, लिंक आपको कमेंट पिन हुआ होएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सून, इंशाल्लाह सून। दुआओं में याद रखना, आई लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं पट्टे स्पीकर के साथ, चाचाई टॉपन बाजवा जिंदाबाद। तो भाई लोग ये था सारा का सारा मेरा सीन पार्ट, जो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहा। अब आज मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ अपनी यख पार्टियाँ, आई मीन जो टूर का कुछ क्लिप से वो मैंने कहा आप लोगों को लगे हाथ, वो भी बहन जी वाड़ देता हूँ, तो चेक कर लेना, ठीक है ना। और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जिंदगी का असली मजा इस टाइम आपको समझ नजर आने लगा। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ डेड एंड मजा, छोटे 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 जरे कचरे के गिर रहे हैं और फुवारा फुड़ फुड़ ऐसे, चेक करो तुम लोग जरा माशाल्लाह। ओए होए 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 होए। अब जी भाई लोग आप लोगों को मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इन्होंने खास किंग ऑफ रेंगल के लिए किंगो वाली कुर्सी तैयार की है। आपका भाई बैठने लगा फुल मस्त मोड। हमेशा 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 साथ रहेंगे, क्या बात है। कैसा फील हो रहा है वो किंग ऑफ रेंगल की कुर्सी पे बैठ के? किंग ऑफ किंग जैसे फील होता है, जहाँ भी बैठ के जमीन पे भी बैठ के किंग ही महसूस होता है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, 100 रुपया ज्यादा। किस चीज का? जो आप बैठे।